नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि हमेशा मैं अकबर बीरबल की स्टोरी में होती है। आज की स्टोरी में आपको 10 फूल्स यानी कि 10 मूर्खों के बारे में आपको पता चलने वाला है कि आखिर वो 10 मूर्ख कौन कौन से हैं जिसे राजा अकबर ढूंढने के लिए बोलते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे मूर्ख आपके यहाँ पर मिलेंगे और 9th और 10th वाले तो बेस्ट हैं। चलिए ठीक है, तो आज की स्टोरी में जैसे कि हर बार की तरह आपको कॉपी पेन हमेशा साथ में रखना है, क्योंकि आप लोग का ही उससे फ़ायदा होता है। जो भी वर्ड्स आपको लगते हैं कि हाँ भाई ये मेरे लिए हार्ड है या जिसका प्रोनंसिएशन समझ नहीं आ रहा है, तो आप सुनकर अपने भाषा में अपने शब्दों में उसे लिख लिया करें, तो आपकी एक नई डिक्शनरी तैयार हो जाएगी आपके हार्ड वर्ड्स की। और बाकी जो भी समझाने वाली चीज़ जो आपको समझ नहीं आ रही, आपको लगता है कि नोट डाउन करना है, वो भी आप लोग लिख लिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया है, आज की स्टोरी का टाइटल है, शीर्षक है 10 फूल्स यानी 10 मूर्ख, 10 मूर्खों की कहानी है। अकबर वंस फेल दैट देयर वर नो फूल्स लिविंग इन आगरा। तो अकबर वंस फेल्ट यानी एक बार उन्हें लगा, फेल्ट यानी होता लगा, एहसास होना, उसे फेल्ट बोलते हैं। दैट कि उन्हें एक बार लगा कि देयर वर, देयर यानी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, देयर यानी वैसे तो वहां होता है, लेकिन जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है वॉज या वर है ना, या फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब के पहले, तो आप वहाँ पे देयर या इट का यूज़ करते हैं। तो देयर वर जो इसके यहाँ पे वहाँ था ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उन्हें एक बार महसूस हुआ कि वर यानि थे, नो फूल्स यानी कोई भी मूर्ख नहीं थे, लिविंग यानि रहते थे, इन यानि में आगरा, आगरा में, आगरा। तो एक बार राजा अकबर को लगा कि आगरा में कोई भी मूर्ख नहीं रहते थे, उन्हें लगा। He shared his feeling with Birbal. He shared, और उसने, अब राजा है तो उन्होंने ऐसे बोल रहे हैं, ही यानी उसने होता है, बट सम्मान है, उन्होंने ऐसे बोल रहे हैं, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है। उन्होंने shared, शेयर यानी बोलते हैं बांटना, बांटा his feelings, अपनी feelings यानी क्या होती, भावनाओं को, with Birbal, बीरबल के साथ। तो अब उनकी जो भावना थी कि भाई कोई भी मूर्ख यहाँ नहीं रहता है, तो उस भावना को शेयर किया, बांटा, बीरबल के साथ साझा किया। बीरबल रिस्पॉन्डेड, तो बीरबल ने रिस्पॉन्ड करने क्या होता है, प्रतिक्रिया देना, जवाब देना। बीरबल ने जवाब दिया, यू शुड बी प्राउड दैट ओनली इंटेलिजेंट पीपल लिव हियर। यू शुड बी प्राउड, यू यानी आपको शुड बी होना चाहिए, तो शुड का यूज करते हैं। प्राउड यानी आपको गर्व होना चाहिए, दैट कि ओनली सिर्फ इंटेलिजेंट पीपल, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान लोग लिव रहते हैं हियर यानी यहाँ। तो आपको गर्व होना चाहिए कि केवल बुद्धिमान लोग ही आगरा में रहते हैं, आपके यहाँ रहते हैं। अकबर सेड, अकबर ने कहा, से का सिर्फ सेड, पास्ट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल टेंस। यू डू नॉट अंडरस्टैंड, तो यू डू नॉट अंडरस्टैंड यानी तुम नहीं समझते, ऐसे बोल रहे हैं, तुम नहीं समझते। तो जैसे ये भी हो सकता है कि आप नहीं समझते, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आपको समझ में नहीं आता है, ऐसे भी बोल रहे हैं। अकबर ने कहा आपको समझ में नहीं आता है, आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो वॉन्ट यानी क्या होता है, ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वो आपका फर्स्ट फॉर्म हो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, जहाँ पे ता है, ती हूँ, ऐसे यूज होता है, और सब्जेक्ट के बाद वो आपका सेकेंड फॉर्म, तो पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस है ना, गया, खाया, पिया, खाता था, जाता था, ऐसे भी यूज करते हैं। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूँ, अ फूलिश मैन, एक मूर्ख आदमी को। तो वैसे है ना, तो आई वॉन्ट टू सी, मैं मिलना चाहता हूँ के लिए भी सी का यूज़ करते हैं, देखना चाहता हूँ कि भी यूज़ किया जाता है, बोलते ना सी यू अगेन, फिर से मिलेंगे, ऐसे भी किया जाता है। बोलते कि मैं एक मूर्ख आदमी को देखना चाहता हूँ, तुम नहीं समझते, मूर्ख आदमी देखना चाहता हूँ। बीरबल रिमार्क्ड, बीरबल ने रिमार्क यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि टिप्पणी करना, उसे हम रिमार्क कहते हैं। तो रिमार्क यानी टिप्पणी की, एट टाइम्स, एट टाइम्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कभी कभी, उसे एट टाइम्स कहा जाता है, समय समय पर या कभी कभी, उसे एट टाइम्स कहा जाता है, कभी कभी। इवन द मोस्ट इंटेलिजेंट, इवन यानी भी, द मोस्ट इंटेलिजेंट यानी सबसे विद्वान भी, कमिट अ फूलिश मिस्टेक, कमिट यानी करता है, अ फूलिश मिस्टेक यानी मूर्खता भरा, मूर्खता भरी गलती करता है ना, कभी कभी जो एकदम होशियार भी होते हैं वो भी कई बार मूर्खता भरी गलती करते हैं। सो इसलिए वी कैन ईजली फाइंड फूल्स इन आगरा, वी कैन, वी यानी हम, कैन यानी सकते हैं, ईजली आसानी से, फाइंड यानी खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, फूल्स यानी मूर्खों को, इन आगरा, तो इसलिए हम आसानी से मूर्खों को आगरा में ढूंढ सकते हैं। किसने कहा, बीरबल ने कहा। इफ सो है ना, इफ सो यदि ऐसा है तो, हम बोलते हैं इफ सो, यदि ऐसा है तो, देन प्रोड्यूस 10 फूल्स फॉर मी, देन तब
प्रोड्यूस 10 फूल्स फॉर मी है, प्रोड्यूस है ना, वैसे तो उत्पादन करना होता है, मतलब 10 मूर्खों को मेरे लिए उगाओ, उत्पादन करो, पैदा करो, ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे प्रोड्यूस का एक और मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं कि प्रस्तुत करना, पेश करना, है ना। तो क्या करो तुम मेरे पास फॉर मी, मेरे लिए 10 मूर्खों को प्रस्तुत करो, मेरे सामने 10 मूर्ख को पेश करो। अगर ऐसा है तो तुम बोल रहे हो कि मूर्ख कभी कभी होशियार भी मूर्खता भरा काम करते हैं, 10 मूर्ख खोजना आसान है, तो ऐसा है तो ले आओ मेरे लिए, मेरे सामने प्रस्तुत करो 10 मूर्खों को। अकबर ने कहा फॉर मी है मेरे लिए, आई विल गिव यू 10 days फॉर द टास्क, सेड अकबर। आई विल गिव, मैं दूंगा, यू यानी तुम्हें, तो विल का यूज फ्यूचर सिंपल टेंस, जहां गागी गे का यूज होता है, और विल के साथ वो आपका फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। आई विल गिव, मैं दूंगा, यू यानी तुम्हें, 10 days यानी 10 दिन दूंगा फॉर द टास्क, टास्क के लिए। टास्क क्या होता है, जो भी काम किसी को दिया जाता है उसे टास्क कहते हैं, ठीक है। तो टास्क के लिए मैं तुम्हें 10 दिन का काम दूंगा, सेड अकबर, अकबर ने कहा, से का सेड हो गया, बोले कि 10 दिन का समय दूंगा। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, फ्रॉम यानी से, द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन से, बीरबल स्टार्टेड लुकिंग फॉर फूल्स। बीरबल ने क्या स्टार्टेड, शुरू किया, तो बीरबल ने शुरू किया। अब बोलेंगे सर ने के लिए क्या इंग्लिश होता, नहीं ऐसे नहीं होता, हम इंग्लिश को हिंदी की तरह अपने हिसाब से बनाते हैं, कोई इंग्लिश वाले हमारे लिए, तो वही बोल रहा था अंग्रेज है वो हमारे लिए हिंदी का कोई रूल तो बनाया नहीं, तो हम लोग अपने हिसाब से चलते हैं। तो ऐसे ने से के कई बार यूज होता है ना, उसके लिए हर एक के लिए पर्टिकुलर जरूरी नहीं कि उसके लिए हमें कोई स्पेशल वर्ड का यूज करें। तो बीरबल स्टार्टेड, बीरबल शुरू किया ऐसे भी बोल सकते हो, बीरबल ने शुरू किया ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बीरबल ने शुरू किया लुकिंग फॉर फूल्स, लुकिंग फॉर यानी होता है ढूंढना, फूल्स यानी मूर्खों को, बीरबल ने मूर्खों को ढूंढना शुरू किया। तो स्टार्ट का सेकंड में स्टार्टेड। फॉर 4 days, फॉर जब समय बता रहे हैं तो फॉर का यूज करें, 4 days 4 दिनों तक, है ना। ही कुड नॉट फाइंड एनीबडी डूइंग समथिंग फूलिश इनफ टू बी टेकन टू द कोर्ट। ही कुड नॉट फाइंड, कुड नॉट यानी नहीं सका, कैन नॉट नहीं सकता है, कुड नॉट नहीं सका, फाइंड यानी ढूंढ, वह ढूंढ नहीं सका एनीबडी यानी किसी को भी, डूइंग यानी करते हुए, समथिंग यानी कुछ, फूलिश यानी मूर्खतापूर्ण, है ना, इनफ यानी पर्याप्त, काफी, टू बी टेकन ले जाने के लिए, टू द कोर्ट, टू प्रपोजिशन यूज करते जब कहाँ ले जाने के लिए, किसके पास, तो कोर्ट यानी होता है दरबार। तो उसे ऐसा कोई भी नहीं मिला कुछ मूर्खतापूर्ण काम करते हुए, कोई मूर्खतापूर्ण है ना गतिविधि करते हुए जो कोर्ट ले जाने के लिए पर्याप्त हो, ऐसे कोई काम मिला ही नहीं कि इसे कोर्ट ले जाया जा सके, ऐसा कोई मूर्खता वाला काम किया ही नहीं, कब तक, 4 दिन तक उसे मिला ही नहीं। लकली, लकली यानी क्या होता है, बोलते ना किस्मत से, सौभाग्य से लकली बोलते हैं, तो भाग्य से, किस्मत से, द नेक्स्ट डे बीरबल ओवरहर्ड टू मेन टॉकिंग, द नेक्स्ट डे अगले दिन बीरबल ने ओवरहर्ड यानी सुनी, बात सुने, ओवरहर्ड बोलते हैं, उसने सुना टू मेन, दो आदमी को, तो दो, एक से ज्यादा है तो एम ई एन मैन का यूज होगा, एक आदमी के लिए एम एन मैन का यूज होता है, तो मैन और मैन में ये अंतर, सिंगुलर प्लूरल, तो दो आदमी को है ना टॉकिंग यानी बात करते हुए, एल साइलेंट था, टॉकिंग नहीं पढ़ेंगे, केवल टॉकिंग पढ़ेंगे, बात करते हुए सुना। वन मैन आस्क्ड द अदर, एक आदमी ने दूसरे से पूछा, आस्क्ड, किसी को कुछ काम करने लिए कहते हैं तो भी आस्क्ड का यूज किया जाता है, किसी से कुछ पूछते हैं तो भी आस्क्ड का यूज किया जाता है। तो एक आदमी ने अदर यानी अन्य से, दूसरे से पूछा, व्हाट विल यू आस्क गॉड फॉर, है ना, तो आगे लिखा हुआ है आपको दिखाऊंगा, व्हाट विल यू, व्हाट यानी क्या, विल यू तो इंट्रोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब विल पहले आ गया, आस्क गॉड फॉर, आस्क फॉर यानी मांग करना, गॉड यानी भगवान से, तुम भगवान से क्या मांगोगे, इफ ही वर टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू, इफ यदि ही वर टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू, यदि वो आपके सामने आ जाए, ठीक है, भगवान से क्या मांगोगे यदि वो आपके सामने आ जाए, इन फ्रंट ऑफ यू यानी होता है आपके सामने, अपीयर यानी सामने आना, प्रकट होने को भी अपीयर बोलते हैं, दिखाई देने को भी अपीयर बोलते हैं, तो यदि वो आपके सामने प्रकट हो जाए, आपके सामने आ जाए, तो तुम क्या करोगे, क्या मांगोगे, तो अ मिल्क यील्डिंग काउ, देखिए अंडरलाइन के मतलब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अ मिल्क यील्डिंग काउ यानी एक दूध देने वाली गाय, दूध देने वाली को मिल्क यील्डिंग कहते हैं, फॉर माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों के लिए मैं एक दूध देने वाली गाय मांगूंगा, सो दैट ताकि they would drink milk to their heart's content, they यानी वे would, गागी के फ्यूचर टेंस है ना, पास के
सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज किया था, मतलब वही होता है गागी गे। दे वुड ड्रिंक, वो पिएंगे मिल्क दूध को, टू देयर यानी उनके या अपने हार्ट्स कंटेंट, कंटेंट यानी वैसे सामग्री सामान को भी कंटेंट बोलते हैं, और संतुष्ट होना तृप्त होने को भी कंटेंट कहा जाता है। तो हार्ट्स कंटेंट यानी क्या होता है, दिल के संतुष्ट होने तक, मन को संतुष्ट होने तक के वो दूध पिएंगे, ताकि मेरे क्या करें वो दूध पी सके, इसलिए मुझे क्या चाहिए गाय चाहिए। तो यहाँ पे आप देख कंटेंट का संतुष्ट होते तक के, तृप्त होते तक के, तो दिल के भरते तक संतुष्ट होते तक, तृप्त होते तक पी सके, इसलिए मुझे गाय चाहिए दूध देने वाली। रिप्लाइड द सेकंड मैन, रिप्लाइड जवाब दिया द सेकंड मैन ने, दूसरे आदमी ने, देखिए एक आदमी ने जवाब दिया, मैन लिखा हुआ है ना, एंड व्हाट वुड यू आस्क फॉर, और व्हाट वुड यू आस्क फॉर यानी तुम क्या मांगोगे, तुम क्या मांगोगे, तो आस्क फॉर यानी मांग करना। ही देन आस्क द फर्स्ट मैन, ही यानी उसने, देन यानी तब, आस्क पूछा द फर्स्ट मैन, पहले आदमी से पूछा, देखिए पहले ने दूसरे से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, उसने बोला दूध देने वाली गाय चाहिए, फिर दूसरे ने पहले से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो दूसरा पहला आदमी बोल रहा है आई वुड आस्क हिम फॉर अ टाइगर, मैं उनसे किसकी मांग करूंगा, एक बाघ की मांग करूंगा, टाइगर यानी बाघ होता है, लायन यानी शेर, बाघ शेर में अंतर है आप सभी जानते हैं, मैं उनसे एक बाघ की मांग करूंगा। हु वुड ईट अप योर काउ, हु वुड, जो वुड गागी गे, ईट अप यानी खा जाएगा, योर काउ जो तुम्हारे तुम्हारी गाय को खा जाएगा। द फर्स्ट मैन रिप्लाइड, पहले आदमी ने जवाब दिया मैं तो भाई बाघ मांगूंगा जो तुम्हारी गाय को खा जाएगा। हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर, यह सुनकर द सेकेंड मैन स्टार्टेड क्राइंग, तो पहला जो दूसरा आदमी था स्टार्टेड शुरू किया क्राइंग यानी रोना, एंड शाउटिंग चिल्लाना, रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। दिस मैंस टाइगर हैज किल्ड माई काउ, इस आदमी के बाघ ने, हैज किल्ड मार दिया है, मार चुका है, तो हैज या हैव के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म, तो किल का सेकेंड फॉर्म भी किल्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी किल्ड होता है, तो हैज हैव है तो वो आपका थर्ड फॉर्म है समझ लीजिए इसे। तो अपोस्ट्रोफियस काकी के, आदमी के, इस आदमी के बाघ ने मार दिया है, माई काउ मेरे, मेरी गाय को मार डाला है। And will now kill me, और will गागी गे now kill me, अब मुझे मारेगा। अब देखो ना वो शेर आया, मैंने बाघ आया वहाँ पे, ना गाय आई है, ये बोल रहा है कि मेरे गाय को मार डाला है, अब ये मुझे खा जाएगा, मुझे मार डालेगा। Soon जल्दी ही they started fighting, उन्होंने शुरू किया fighting यानी लड़ना, उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी, लड़ना शुरू कर दिया, अभी आया ही नहीं है और लड़ना शुरू कर दिया। अ मैन पासिंग बाय, एक आदमी पासिंग बाय यानी गुजर रहा था, है ना, एक आदमी गुजरा ऐसे बोलेंगे, विथ अ पॉट ऑफ ऑयल ऑन हिज हेड, विथ अ पॉट यानी एक बर्तन के साथ, ऑफ ऑयल यानी तेल के, ऑन यानी पर, हिज हेड अपने सिर पर, क्या करते हुए इसे आप लिख लेंगे, इसे हम बोलते हैं इंटरवीन्ड, इंटरवीन्ड है ना, इसे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, इंटरवीन्ड इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना, बीच में आना, उसे बोलते हैं। तो अपने सिर पर तेल का है ना बर्तन रखकर, घड़ा रखते हुए एक आदमी वहां से गुजरा, इंटरवीन टू हेल्प देम, और उसने उनकी मदद करने के लिए बीच में आया, हस्तक्षेप किया, सॉल्व देवर देयर प्रॉब्लम, सॉल्व यानी हल करने के लिए, देयर यानी उनका प्रॉब्लम यानी समस्या को, तो उनके समस्या को हल करने के लिए उनके बीच में आया, जो कि सिर पे तेल रखा हुआ था, तेल का बर्तन रखा हुआ था। व्हेन द ट्रेवलर हर्ड देयर प्रॉब्लम, जब द ट्रेवलर यानी यात्री ने हर्ड सुनी, हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड, हियर नहीं बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे, देयर प्रॉब्लम उनकी समस्या को, देयर यानी उनका या उनकी, और एक देयर होता है टी एच ई आर ई देयर, ये देयर यानी होता है वहाँ, या फिर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, और ये देयर है ना उनका या उनकी, तो उनकी समस्या को सुना सुनी, ही गॉट कन्फ्यूज, गॉट यानी हुआ कन्फ्यूज यानी वो कन्फ्यूज हो गया, कन्फ्यूज यानी क्या होता है उलझन में आ जाना, परेशान हो जाना, कन्फ्यूज बोलते हैं, वो एकदम उलझन में आ गया, कंफ्यूज हो गया, परेशान हो गया। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं सका, समझ नहीं पाया, तो हम कुड नॉट का यूज करते हैं, ठीक है, तो वो समझ नहीं पाया। हाउ द टू मैन कुड फाइट, हाउ यानी कैसे, द टू मैन फाइट, सॉरी, हाउ द टू मैन कुड फाइट यानी दो आदमी कैसे लड़ सकते हैं, ओवर यानी के ऊपर, एन एक इमेजिनरी काल्पनिक काउ एंड टाइगर, गाय और बाघ यानी काल्पनिक गाय और बाघ के ऊपर ये दो आदमी कैसे लड़ सकते हैं, तो एकदम ज्यादा उलझन में आ गया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि अभी ना गाय है ना शेर है, दोनों काल्पनिक है, कल्पना बस में है ना, यहाँ पे दोनों नहीं है, फिर भी ये दोनों कैसे लड़ सकते हो, एकदम उलझन में आ गया, परेशान हो गया। ही सेड, उसने कहा,
आई थिंक, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है, आई थिंक का यूज करते हैं। बोथ ऑफ यू आर फूल्स, बोथ ऑफ यू यानी तुम दोनों, आर यानी हो, फूल्स मूर्ख, तुम दोनों मूर्ख हो। इफ यू थिंक, यदि तुम्हें लगता है, आई एम लाइक यू, तुम्हारे जैसे, देन तब, लेट दिस ऑयल फ्लो लाइक वाटर, लेट दिस, लेट यानी ये हम पॉजिटिव वर्ब के यूज में यूज करते हैं ना, जैसे मेक का यूज करते हैं ना, कि किसी को कोई कुछ काम कराया था तो मेक का यूज किया जाता है ना, उसके कारण मुझे दुख हुआ, तो वहां मेक का यूज कर रहे हैं। लेट का यूज जब बोलते हैं ना, कुछ होने देना, लेट मी रन, मुझे दौड़ने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी जब, मुझे कूदने दो, तो कुछ करने दो, तो हम लेट का यूज करते हैं। लेट दिस ऑयल फ्लो, इस तेल को बहने दो, लाइक वाटर, पानी के जैसे, बोल रहा है ना, कि मैं तुम लोगों जैसे मूर्ख नहीं हूं, आई एम लाइक यू, है ना, इफ यू थिंक आई एम लाइक यू, यदि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसा हूं, तब इस तेल को पानी के जैसे बहने दो। सेइंग सो, ऐसा कहकर, ही रिमूव्ड, उसने हटाया, रिमूव यानी मिटाना, हटाना, बोथ ऑफ हिज हैंड्स, अपने दोनों हाथों को, फ्रॉम द ऑयल पॉट, तेल के बर्तन से अपने दोनों हाथों को हटा दिया। इट फेल, वो गिरा, फॉल का क्षण फेल, ब्रोक, टूट गया, टूटा, ब्रेक का क्षण ब्रोक, ब्रेक ब्रोक, ब्रोकन, एंड ऑयल फ्लोट ऑन द रोड, और जो तेल था वो सड़क पर क्या हो गया, बह गया। तो देखिए, ये भी मूर्ख है, बोल रहे कि भाई तुम्हें लगता है तुम्हारे जैसे मूर्ख हूं ना, तो ये तेल कैसे बहेगा, पानी के जैसे बहने लग जाएगा, तो अब मैं मूर्ख नहीं हुई समझाने के लिए, उसने पूरा तेल से भरा बर्तन को नीचे गिरा दिया और दिखा रहा है कि देखो तेल कैसे पानी जैसे बह रहा है। ठीक है, बीरबल, हु यानी जो या जिसने, हु वॉज वॉचिंग, जो देख रहा था, वॉचिंग यानी क्या होता है, ध्यान से देखने को वॉचिंग बोलते हैं, लुक सी दोनों होता है, लुकिंग सीइंग, वॉचिंग यानी क्या होता है, ध्यान से देखने को वॉच कहते हैं, तभी तो वॉचमैन बना हुआ है, पहरेदार ध्यान से देखता है, वॉचमैन, जैसे मूवी देख रहे हो, मैच देख रहे हो, तो वॉचिंग का यूज करते हैं, वॉच का यूज करते हैं। वॉज वॉचिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, जो देख रहा था, हुई यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो देख रहा था, दिस इंसिडेंट, इस घटना को, प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली यानी होता है बहुत ही ज्यादा, प्रॉम्प्टली का मतलब तत्काल, तुरंत, है ना, तो इस घटना को जो देख रहा, तुरंत उसने क्या किया, नोटेड डाउन, नोट डाउन का लिखना, तो लिखा पास्ट है, नोटेड डाउन, दे आर एड्रेस, एड्रेसेस, उनकी पता को, यानी जो दोनों के पता को लिखा, एंड नेम्स, और नामों को, तुरंत उनके नाम, मतलब कितने हुए वहाँ पे, तीन लोग हो गए, दो आदमी मूर्ख लड़ रहे थे, तीसरा तेल वाला, तीनों के नाम को प्रॉम्प्टली यानी होता है तत्काल, जल्दी से सबका नाम नोट डाउन कर लिया कि तीन मूर्ख तो मिल गए। लेटर, ये लेटर यानी बाद में, और वो चिट्ठी वाला लेटर अलग होता है, बाद में, एज बीरबल वॉज रिटर्निंग, एज यानी जब, बीरबल वॉज रिटर्निंग, लौट रहा था, होम, घर, जब बीरबल घर लौट रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, He found a man looking for something. He found, उसे, उसने पाया है, उसे मिला, a man, एक आदमी, looking for यानी होता है ढूंढना, something यानी कुछ, under the street lamp, under यानी होता है के नीचे, the street lamp यानी होता है वही, देखिए जो खंबे में जो light होता है, street lamp कहते हैं, तो street lamp के नीचे वो कुछ ढूंढ रहा था। बीरबल offered to help him, तो बीरबल ने उसकी मदद करने के लिए offered यानी कहते पेशकश की, कि भाई क्या मैं आपकी मदद करूं, बीरबल ने मदद की, पेशकश की। द मैन इन्फॉर्म्ड हिम, आदमी ने इन्फॉर्म यानी जानकारी दी, हिम यानी उसे, आदमी ने उसे जानकारी दी, हुजूर ऐसे है ना, हम लोग श्रीमान बोलते हैं उसी को, शायद हुजूर कहते हैं उर्दू में, हुजूर आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव के साथ लॉस्ट थर्ड फॉर्म, माई चैन है ना, मेरी चैन को, चैन, चैन समझ गए आप, गले में पहनने वाला, इन द डार्क, अंधेरे में, मैंने अपनी चेन अंधेरे में खो दी है, सिंस तब से है ना, सिंस यानी तब, देयर इज लाइट हियर, देयर इज लाइट हियर, तब वहां क्या है, लाइट है, सॉरी सिंस यानी चूंकि भी होता है, क्योंकि भी होता है, क्योंकि यहां उजाला है, आई थॉट, मुझे लगता है, नहीं मुझे लगा, आई वुड लुक फॉर इट हियर, आई वुड लुक फॉर हियर, तो मुझे उसे यहां ढूंढना चाहिए, कहाँ ढूंढ रहा है, देखिए अपने परछाई में ढूंढ रहा है, समझ गए, ये भी मूर्ख है, बोले कि भाई मैंने क्या किया था, अंधेरे में अपने चैन को खो दिया था, क्योंकि अब यहाँ पे लाइट है तो मुझे तो वो अंधेरे में मिलेगा, तो अपनी परछाई में ढूंढ रहा है, उसे अंधेरे में ढूंढ रहा था, कि इसलिए मैं इसे यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि अंधेरे में मिलेगा, उजाले में तो मिलेगा ही नहीं, एक मूर्ख और मिल गया उसे। बीरबल नोटेड हिज नेम अलॉन्ग विद द अदर्स, बीरबल ने नोटेड लिखा
हिस नेम उसके नाम को अलोंग याने होता है साथ में, अलोंग विथ याने होता है साथ में, द अदर्स याने दूसरों के साथ, जो बाकी तीन थे ना उसके साथ इसका भी नाम लिख दिया कि चलो चौथा मूर्ख मिल गया। द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे है ना अगले दिन, बीरबल फाउंड अ मैन, है ना बीरबल ने, सॉरी मोबाइल लिया, बीरबल फाउंड अ मैन, बीरबल को एक आदमी मिला, फॉलन इन अ डिच, डिच याने क्या होता है जो हम बोलते हैं ना, क्या बोलना चाहिए उसको, जैसे गड्ढा होता है जिसमें क्या, ये देखिए डिच ली है, इसका अब एकदम वर्ड जैसे बोलना चाहिए, अब इसको गड्ढा ही बोल सकते हैं, डिच यानी, वैसे तो डिच यानी खाई भी होता है, अब यह खाई तो है नहीं तो इसलिए हम इसे गड्ढा ही बोलेंगे, ठीक है। तो गड्ढे में गिर गया था, कीचड़ वाले गड्ढे में गिरा है ना, इट वॉज नॉट वेरी डीप, इट वॉज ना वॉज यानी था, नॉट वेरी डीप यानी ज्यादा गड्ढा नहीं था, इट वॉज यहाँ पर भी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, तो ज्यादा गहरा नहीं था, डीप यानी था गहरा, स्टिल फिर भी, ही मेड नो अटेम्प्ट, ही मेड उसने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया टू कम आउट ऑफ इट, कम आउट यानी होता है बाहर आने के लिए, इट यानी उसमें, अटेम्प्ट यानी क्या होता है बोलते हैं ना कि कोशिश करना, उसे हम अटेम्प्ट, अटेम्प्ट ठीक है, अटेम्प्ट कम आउट यानी होता है बाहर निकलने के लिए, ऑफ इट यानी उसमें से, लेकिन उसने फिर भी कोई कोशिश नहीं की उसमें से बाहर निकलने के लिए। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, गिव मी योर हैंड, गिव मी यानी मुझे दो, योर हैंड यानी तुम्हारा हाथ मुझे दो, देखिए मांग रहे कि मैं तुम्हें निकालूंगा, आई विल पुल यू आउट, आई विल फिर फ्यूचर टेंस गागी के फर्स्ट फॉर्म, आई विल पुल यू यानी तुम्हें, आउट यानी बाहर, मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा, गागी के मुझे हाथ दो मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा, प्लीज डू नॉट टच माई हैंड, कृपया डू नॉट टच, मत टच करो, मत छुओ, माई हैंड मेरे हाथ को, टच मत करो मेरे हाथ को, कृपया मत छुओ, पुल मी आउट मुझे बाहर निकालो या मुझे बाहर खींचो, पुल यानी तो खींचना, बाई माई हेयर मेरे बालों से, मेरे बालों को पकड़कर मुझे बाहर खींचो, मेरे हाथ को मत खींचो, आई हैव रिटर्न है ना मैंने लिखा है, द मेजरमेंट, मेजरमेंट यानी क्या होता है जो भी हम क्या बोलते हैं मापन है ना उसे, ऑफ माई फादर्स बॉक्स ऑन माई हैंड, मेजरमेंट ऑफ यानी का माई फादर्स मेरे पिता के बॉक्स ऑन माई हैंड यानी मेरे पिताजी के लिए जो भी बॉक्स या बक्सा बनाना है ना उसका जो मेजरमेंट है ना, तो नाप, नाप तोल जो होता है इतना इंच का इतना सेंटीमीटर का, उसे मैंने अपने हाथ में लिखा हुआ हूँ तो उसे मत, वो मिट जाएगा ऐसे में, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, तो डब्ल्यू सैंड होता है ना, रिटर्न नहीं पड़ेंगे रिटर्न पड़ेंगे, राइट रिटर्न रॉन्ग सब में डब्ल्यू आर होता है, डब्ल्यू सैंड होता है, तो मैंने जो बक्सा बनाना है पिताजी का उसका मैंने मेजरमेंट लिखा हुआ है तो मेरे हाथ को मत खींचो मिट जाएगा वो, इफ यू पुल माई हैंड यदि यू पुल तुम खींचते हो माई हैंड मेरे हाथ को, द राइटिंग ऑन माई हैंड मेरे हाथ में जो राइटिंग है लिखा हुआ है विल बी इरेज्ड मिट जाएगा, इरेज्ड मिट जाएगा, सेड द मैन आदमी ने कहा, देखो ये भी मूर्ख है, अरे जान ज्यादा प्यारा कि मेजरमेंट प्यारा है, बोला नहीं नहीं मेरे हाथ तो पकड़ के मत खींचो नहीं तो उसमें मेजरमेंट लिखा हुआ पिताजी का वो मिट जाएगा, मेरे बालों से पकड़ कर खींचो। बीरबल क्वाइटली, क्वाइटली है लिखा हुआ ना, बीरबल ने चुपचाप नोटेड डाउन लिखा हिस नेम उसके नाम को एंड एड्रेस उसके नाम और पता को भी लिख लिया, ऑन हिस वे बैक, ऑन यानी पर, हिस वे बैक यानी उसके मतलब वापस जाने के रास्ते पर, बीरबल केम अक्रॉस अ मैन, बीरबल केम अक्रॉस होना था मुलाकात हुई मिलना उसे केम अक्रॉस बोलते हैं, अ मैन एक आदमी से मुलाकात हुई, डिगिंग खोदते हुए, पिट्स गड्ढा, एवरीवेयर हर जगह, तो एक आदमी से मुलाकात हुई जो हर जगह गड्ढा खोद रहा था उससे मुलाकात हो गई, व्हाट आर यू प्लांटिंग, व्हाट यानी क्या, आर यू प्लांटिंग आप क्या बो रहे हो, आप क्या उगा रहे हो, प्लांट करना यानी पौधे लगाना, आप क्या उगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, तो उसे वही लगा गड्ढा खोद रहा मतलब पौधा वौधा लगा रहा होगा, तो देखिए आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, रहा है रही हो लेकिन क्या लगा रहे हो, क्या है ना, तो क्या क्यों डब्ल्यू एच फैमिली का भी आ गया, क्या लगा रहे हो, आस्क्ड बीरबल, बीरबल ने पूछा आप क्या उगा रहे हो, आई एम नॉट प्लांटिंग एनीथिंग मैं कुछ भी नहीं लगा रहा हूं, आई एम डिगिंग मैं खोद रहा हूं, फॉर माई हार्ड अर्न मेरी कठिन परिश्रम से कमाई हुई मनी पैसे को, हार्ड अर्न यानी होता है बहुत है ना कठोर परिश्रम से कमाया हुआ पैसा को, कड़ी मेहनत से कमाई हुए पैसे को हार्ड अर्न मनी कहा जाता है, मैं अपने मेहनत से कमाए हुए पैसा को
क्या कर रहा हूं, खोद रहा हूं, उसके लिए खोद रहा हूं। इट इज बरीड समवेयर हियर, इट इज बरीड, ये दबा हुआ है, बरीड यानी दबा हुआ है। समवेयर हियर, यहां कहीं दबा हुआ है। He replied, उसने जवाब दिया, यू शुड हैव लेफ्ट एन आइडेंटिटी मार्क, सेड बीरबल, बीरबल ने कहा, यू शुड हैव, तुम्हें छोड़ना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था, तो शुड हैव का यूज किया था, लेफ्ट एन आइडेंटिटी मार्क, एक हम बोलते हैं ना पहचान का निशान, उसे आइडेंटिटी मार्क बोलते हैं, सेड बीरबल, बीरबल ने कहा तुम्हें कोई निशानी छोड़ना चाहिए था यहां पे पहचान के लिए कि कहां पे तुमने उस पैसे को दफनाया है, बरी किया है। यू थिंक आई एम अ फूल, तुम्हें लगता है मैं एक मूर्ख हूं, आई हिड द मनी, मैंने पैसे छिपाया था, तो एच आई डी ई है ना, हाइड होता है छिपाना, उसका सेकेंड फॉर्म हिड होता है, तो मैंने पैसे छुपाए थे जस्ट ठीक बिलो, बिलो है ना नीचे, अ लार्ज ब्लैक क्लाउड, एक बड़े काले बादल, क्लाउड यानी बादल, बड़े काले बादल के नीचे मैंने उसे छिपाए थे। बताइए कितना होशियार है, ऊपर बादल को देखा, हाँ ठीक है काले काले घने बादल हैं, इसी के नीचे छिपा देता हूँ ताकि अगले बार आऊँ तो काले बादल के नीचे खोदूंगा तो मुझे मिल जाएगा। अब मूर्खी है, बादल वहाँ पे हमेशा थोड़ी रहेगा, अब अगले बार आया बादल नहीं दिखा, अब बेचारा सब जगह खोद रहा है, तो इसने बोला क्या मुझे मूर्ख समझते हो, मैंने है ना काले घने बादल के नीचे मैंने छिपाया था, बड़े बादल है ना। सेड द मैन, आदमी ने कहा, बीरबल प्रॉम्प्टली, फिर बीरबल ने प्रॉम्प्टली यानी बताया जल्दी से, नोटेड हिज एड्रेस, उसके पते को लिखा, एंड नेम और नाम को। नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल स्टार्टेड हिज यूजुअल वॉक, बीरबल ने शुरू किया यूजुअल वॉक यानी सामान्य जो चाल थी, लुकिंग फॉर फूल्स, खोजने का। सडनली, अचानक से, अ मैन हु हैड बीन रनिंग, एक आदमी, हु हैड बीन रनिंग यानी जो दौड़ रहा था, बम्ड इनटू हिम, बम्ड यानी टकराया, इनटू हिम यानी उस पर, किस पर, किससे, बीरबल से टकरा गया। कैंट यू सी वेयर एंड इनटू व्हाट यू आर रनिंग, कैंट यू सी, तो कांट भी बोलते, कह लो कैंट भी बोलते, कैन नॉट है तो कैंट बोलिए ज्यादा अच्छा है, कैंट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते, कैन नॉट यानी नहीं सकते, वेयर यानी कहां, एंड और इनटू यानी में, व्हाट यू आर रनिंग, और किस में तुम दौड़ रहे हो, तुम कहां और किस में दौड़ रहे हो, क्या तुम्हें तुम देख नहीं सकते। आस्क बीरबल, बीरबल ने पूछा, इंस्टेड ऑफ बींग, इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ बींग यानी होने के बजाय, क्या होने के बजाय, आपको यहां पे मिलेगा अपोलोजेटिक, अपोलोजेटिक जैसे अपोलोजी बोलते हैं, अपोलोजेटिक, इसका मतलब होता है क्षमा प्रार्थनी, भूल चूक मानने के बजाय, क्षमा प्रार्थनी होने के बजाय। द मैन स्क्रीम्ड एट बीरबल, आदमी ने क्या स्क्रीम्ड यानी चिल्लाया, एट बीरबल, वो आदमी बीरबल के ऊपर चिल्लाया, जबकि उसे माफी मांगनी चाहिए टकराने के बाद, इंस्टेड यानी के बावजूद, के बजाय। व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहां पे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, आई के पहले हैव आ गया, आई हैव डन, मैंने किया है, व्हाट आई हैव डन, क्या मैंने किया है, मैंने क्या किया है, आई हैव बीन चेजिंग है ना, मैं पीछा कर रहा हूं, द साउंड यानी आवाज का, ऑफ माई यानी मेरी, वॉइस एंड यू हैव स्टॉप्ड मी, और तुमने मुझे रोक दिया। अभी क्या बोल रहा है, मैं अपनी आवाज का पीछा कर रहा हूं, मेरी जो आवाज है उसके जो ध्वनि है उसका मैं पीछा कर रहा हूं, तुमने मुझे रोक दिया, जैसे मैं कुछ बोला तो मेरी आवाज बाहर निकल गई, तो मैं उसका पीछा कर रहा हूं कि उसको फिर से पकड़ लूं, फिर से सुन लूं, और तुमने मुझे रोक दिया। बीरबल नोटेड डाउन हिज नेम, बीरबल ने उसका नाम भी लिख लिया, एन एड्रेस और पता लिख लिया। ही वॉज टायर्ड ऑफ लुकिंग फॉर फूल्स, ही वॉज टायर्ड, वो थक गया था, ऑफ लुकिंग फॉर यानी ढूंढ है ना, ढूंढने में फूल्स, तो मूर्खों को ढूंढने में वो क्या हो गया था, थक गया था। ही हैड फाउंड ओनली सेवन, ही हैड फाउंड, उसे मिला था, पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, हैड के साथ फाइंड का थर्ड फॉर्म, फाउंड सेकेंड थर्ड दोनों ही होता है। ही हैड फाउंड, उसे मिल चुका था, ओनली सेवन, सिर्फ सात, सात मूर्ख ही मिले थे। बीरबल हैड टू गिव द लिस्ट टू अकबर द नेक्स्ट डे, बीरबल हैड टू का मतलब होता करना था, तो हम हैड टू का यूज करते हैं, हैव टू करना है, विल हैव टू करना पड़ेगा, ऐसे यूज किया था।
बीरबल हैड टू यू, तो सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, हैड टू हो, हैव टू हो, विल हैव टू हो, सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। बीरबल हैड टू गिव, बीरबल को देना था द लिस्ट यानी सूची को, टू अकबर द नेक्स्ट डे, अगले दिन अकबर को देना था उस लिस्ट को, सूची को। आफ्टर डिनर, रात्रि भोज के बाद, डिनर के बाद, ही वॉज थिंकिंग, वो सोच रहा था, अबाउट के बारे में, हिज प्रॉब्लम, अपनी समस्या के बारे में सोच रहा था कि केवल साथी हुआ है, बाकी तीन कहां से लाऊं। स्टैंडिंग एट हिज विंडो, अपने खिड़की पर खड़े होकर, ही सॉ अ मैन, उसने एक आदमी को देखा, सी सॉ सीन, सेकेंड हम सॉ का यूज करेंगे। कैरिंग, ले जाते हुए, अ बंडल ऑफ ग्रास, घास के बंडल को, बंडल यानी पोटरी, पोटली उसे बंडल कहते हैं। ऑन हिज हेड, अपने सिर पर। वाइल, फाइल यानी के दौरान, राइडिंग अ हॉर्स, घोड़े के ऊपर सवारी करने के दौरान, यानी वो घोड़े पर सवारी कर भी रहा था और उसके सिर पे, देखिए फोटो भी दिया हुआ है, ये देखिए उसने देखा कि एक आदमी घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है और सिर पर वो घास के बंडल को, पोटली को भी लेके क्या कर रहा था, वो जा रहा था। बीरबल ने देखा, ये अजीब बात है। बीरबल रश्ड आउट, तो बीरबल ने क्या किया, रश्ड आउट, रश्ड आउट मतलब तेजी से बाहर निकला, रश्ड आउट कहते हैं, तो वो बाहर निकले। स्टॉप्ड हिम, उसे रोका, एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाई आर यू कैरिंग द ग्रास बंडल ऑन योर हेड, व्हाई आर यू कैरिंग, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव है, व्हाई लग गया, सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब लग गया। तुम क्यों ले जा रहे हो घास के बंडल को, ऑन योर हेड, अपने सिर पर, अपने सिर पर घास के पोटी को क्यों ले जा रहे हो। व्हाई डोंट यू लेट द हॉर्स कैरी देम फॉर यू, व्हाई यानी क्यों, डोंट यू लेट, फिर लेट कॉजिटिव वर्ब, क्यों करने नहीं देते द हॉर्स, घोड़े को, कैरी देम यानी उन्हें, फॉर यू, तुम घोड़े को घास को ले जाने क्यों नहीं देते, तुम्हारे लिए, तुम क्यों उसे सिर पर रख के बैठे हुए। हैव यू नो फीलिंग, अब वो आदमी जवाब दिया, द मैन आंसर है ना, आदमी ने जवाब दिया, हैव यू नो फीलिंग्स, क्या तुम्हारे पास फीलिंग्स नहीं है, भावना नहीं है, तो यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव हैव यानी होना है ना, तुम्हारे किसी के पास होना, तुम्हारे पास फीलिंग्स नहीं है, भावना नहीं है, आंसर द मैन, आदमी ने जवाब दिया। माई हॉर्स इज टू टायर्ड, मेरा घोड़ा बहुत थक गया है, टू इवन कैरी मी, है ना, मुझे यहां तक कि मुझे उठाने में, मुझे ले जाने में बहुत थक गया है। हाउ यानी कैसे, विल ही बी एबल, वो सक्षम कैसे होगा, कैसे ले जाएगा, टू कैरी द वेट ऑफ द ग्रास बंडल्स, घास के बंडल का, घास के पोटली को कैसे ले जाएगा, बोल रहे मुझे ही उठाने में बेचारा इतना ज्यादा थक गया है, तो अब इसके ऊपर मैं घास का बंडल भी डाल दूंगा तो बेचारा थक नहीं जाएगा, इसलिए मैंने घास के बंडल को अपने सिर पर रख लिया है, तो बेचारे घोड़े का मदद किया मैंने, देखो ऐसी भावना होनी चाहिए आपके में, ये भी एक मूर्ख मिल गया। बीरबल क्विकली नोटेड हिज एड्रेस, बीरबल ने तुरंत उसका पता लिखा, एंड नेम्ड, और नाम लिख लिया, अरे भैया वजन तो उतना ही होगा, इसके ऊपर और एक आदमी बैठा के बैठा दो घास को, वजन तो उतना ही रहेगा, बेचारे घोड़े को उतना भार लग गया। बीरबल ने कहा कि भाई यहाँ रख देना था तुमको, बोला अच्छा, घोड़ा बेचारा थका हुआ है, मैं बैठा हूँ फिर घास भी रख दूंगा, थक नहीं जाएगा, इसलिए मैंने घास को अपने सिर पर उठा लिया, बताइए। ही कुड नाउ स्लीप इन पीस, ही कुड, वो सकता था, नाउ यानी अब, स्लीप यानी सो सकता था, इन पीस यानी शांति से, एस क्योंकि, ही हैड द कंप्लीट लिस्ट ऑफ फूल्स, उसने मूर्खों का, मूर्खों की सूची पूरी कर लिया था, तो वही हैड के साथ कंप्लीट लिखा हुआ है, पूरा कर लिया था। द नेक्स्ट डे, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं है, हैड के साथ कंप्लीटेड नहीं है, तो पास्ट परफेक्ट नहीं है। ही हैड द कंप्लीट लिस्ट ऑफ फूल्स यानी उसके पास था, यहाँ पे था वाला हैड है ना, उसके पास था द कंप्लीट लिस्ट यानी पूरी लिस्ट थी ऑफ फूल्स, मूर्खों की, है ना, क्लियर हो गया, अब मुझे यहाँ पर क्लियर हो गया। मैंने भी देखा हैड है तो कंप्लीटेड क्यों लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वो आराम से सो सकता था क्योंकि उसके पास पूरी लिस्ट थी, तो ये हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था वाला यूज किया गया, पूरा मूर्खों की उसके पास लिस्ट थी इसलिए वो निश्चिंत होकर सो सकता था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही गेव द लिस्ट ऑफ द फूल्स, उसने दिया, गेव का सेकंड फॉर्म, गिव का सेकंड फॉर्म, गेव, गिव, गेव, गिवन, उसने दिया द लिस्ट यानी सूची को, ऑफ द फूल्स, मूर्खों का, टू द किंग, राजा को मूर्खों की सूची दी। आफ्टर गोइंग थ्रू द लिस्ट, है ना, आफ्टर गोइंग थ्रू यानी होता है लिस्ट को, लिस्ट में से देखने से, लिस्ट में को देखने से बोलते हैं गोइंग थ्रू, तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, सूची देखने के बाद। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, अब एंडिंग हो गया ना, देखिए लिस्ट को देखा, बोला, राजा ने पूछा, बीरबल, बीरबल
There are only 8 names in it. There are. फिर सब्जेक्ट रूम यूज किया गया है, इंट्रोडक्टिव वर्ड बोलते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं, वहां है ऐसे नहीं बोलेंगे. सब कोई सब्जेक्ट नहीं है, आर के हेल्पिंग वर्ब के पहले, तो देयर का यूज कर लिए हैं. आर यानी है, ओनली सिर्फ 8 नेम्स इन इट, यानी इसमें सिर्फ 8 नाम है. लिस्ट देखा, इसमें तो सिर्फ 8 नाम है. वॉट अबाउट द अदर 2 फूल्स, है ना, बाकी 2 मूर्ख के बारे में क्या? बाकी तो अबाउट यानी के बारे में, बाकी 2 मूर्ख के बारे में क्या? बाकी 2 मूर्ख कहाँ है? बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, योर मेजेस्टी, हे महाराज, द 9th फूल इज नन अदर देन मी. द 9th फूल यानी 9वां मूर्ख, इज नन अदर देन मी यानी और कोई दूसरा नहीं, मैं हूं. 9वां मूर्ख मैं हूं. लाइक अ फूल, एक मूर्ख के जैसे, आई हैव वेस्टेड, मैंने बर्बाद कर दिया है. तो हैव के साथ वेस्ट का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. 10 डेज, मूर्ख के जैसे मैंने 10 दिन बर्बाद कर दिए हैं, 10 दिनों को बर्बाद कर दिए हैं. ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का, सर्चिंग फॉर अ फूल्स, मूर्खों की तलाश में. सर्चिंग फॉर यानी ढूंढना, खोज करना. नौवा मूर्ख तो मैं हूं महाराज, क्योंकि मैंने मूर्खों की तलाश में अपने 10 दिनों को बर्बाद कर दिया है. आई अग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूं. सैयद अकबर ने कहा, ठीक है मैं तुमसे सहमत हूं, नौवा मूर्ख तुम हो. बट हु इज अ 10th फूल, लेकिन 10वां मूर्ख कौन है? अभी भी तो 9 हुआ है ना, 10वां मूर्ख कौन है? विथ ड्यू रिस्पेक्ट द आंसर, सॉरी विथ ड्यू रिस्पेक्ट ही आंसर, पूरे सम्मान के साथ उसने जवाब दिया, योर मेजेस्टी महाराज, यू आर द 10th फूल, आप 10वें मूर्ख हो. इंस्टेड ऑफ लुकिंग इन टू मोर इंपॉर्टेंट मैटर्स, इंस्टेड यानी के बजाय, इंस्टेड ऑफ लुकिंग यानी देखने के बजाय, इन टू यानी में, मोर यानी ज्यादा, इंपॉर्टेंट मैटर्स यानी ज्यादा महत्वपूर्ण मामलों को देखने के बजाय, यू वॉन्टेड टू नो, आप देखना, आप जानना चाहते थे, अबाउट द फूल्स, मूर्खों के बारे में, इन योर किंगडम्स, अपने राज्य में. एक से एक मामला है महाराज, पूरे अपने राज्य में गरीबी और गरीबी जो भी चीज़ हो, उन अच्छे अच्छे मामले को, विशेष इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मामलों को देखने के बजाय, ढूंढने के बजाय, आप 10 दिनों तक आप क्या चाहते थे? अपने राज्य में मूर्खों को ढूंढना चाहते थे, इससे क्या फायदा होगा? बीरबल स्टेटमेंट, बीरबल की जो स्टेटमेंट थी, उसकी जो टिप्पणी थी, मेड द किंग रियलाइज, राजा को एहसास कराया. तो अब बीरबल की टिप्पणी ने राजा को एहसास कराया, तो राजा को अपने आप एहसास नहीं हो रहा, राजा को बीरबल की टिप्पणी ने एहसास कराया. तो यहाँ पे कॉजिटिव वर्ड मेड का यूज कर रहे हैं. एक्चुअल में मेक कॉजिटिव वर्ड होता है, मेक, अब क्योंकि पास्ट फॉर्म है तो मेक का मेड हो गया. तो इसने अब यही मान लो एनजी फॉर्म में होता, यानी कि कंटिन्यूअस, तो मेकिंग ऐसे हो जाता. तो मेक, मेड, मेकिंग, ये सब पॉजिटिव वर्ब है. तो बीरबल की जो स्टेटमेंट थी, उसकी जो टिप्पणी थी, उसने राजा को एहसास कराया हिज मिस्टेक, उसकी गलती की, अपनी गलती की. ही अप्रिशिएटेड, और उसने अप्रिशिएटेड ना, तारीफ की, प्रशंसा की, बीरबल्स बोल्ड आंसर, बीरबल की बोल्ड यानी साहसिक आंसर, तो उसके जो हिम्मत भरा, जो साहसिक जवाब था, उसका उन्होंने क्या किया? तारीफ किया. क्योंकि भाई तारीफ की, क्योंकि राजा के सामने ऐसे बोलना कि महाराज आप मूर्ख हो, तो बहुत हिम्मत वाली बात, उसे बोल्ड कहा जाता है. एंड रिवॉर्डेड, और इनाम दिया हिम यानी उसे, हैंडसमली, हैंडसमली का मतलब क्या होता है? यथोचित, या फिर जिसे, अब मैं तो हिंदी में बोल रहा हूँ, जैसे कि दिल खोल के बोल सकते हैं, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना, बहुत ही उदारता के साथ, यथोचित, या फिर दिल खोल कर उसे हैंडसमली बोलते हैं, सुंदर, बहुत ही. तो राजा ने दिल खोल कर उसे इनाम दिया. और इस प्रकार से आपने देखा कि 10 मूर्ख जो राजा ने ढूंढने के लिए कहा था, बीरबल ने 10 मूर्ख तो ढूंढ लिया. तो इंटरेस्टिंग स्टोरी इसलिए थी कि देखिए मूर्ख भी एक से एक रहते हैं, और वाकई में ऐसे मूर्ख मिलते भी हैं, इससे भी बड़े बड़े मूर्ख हमने देखा हुआ है. तो 10 मूर्ख की ये थी स्टोरी, देखिए कितने अच्छे तरीके से, और लास्ट में बीरबल ने राजा को एक सीख भी सिखाई, अपनी गलती का एहसास करवाया कि महाराज ठीक है, अब मैं आपका सेवक हूँ, तो आपने जो आदेश दिया वो तो पूरा करना मेरा फ़र्ज था, लेकिन क्योंकि आपका मंत्री होने के नाते मेरा फ़र्ज भी बनता है कि आपको सही बात बताऊं, वो ये है कि आपने अच्छे अच्छे मामले को छोड़कर आपने अपने राज्य में केवल मूर्खों को ढूंढने के लिए मुझे कहा, इसके अलावा आप कुछ और अच्छा काम करने के लिए मुझे कह सकते थे, तो 10 दिनों का अच्छा उपयोग होता, आपके भी 10 दिन बर्बाद हुए, मेरे भी 10 दिन, है ना, जो अमूल्य, भी आप सभी को पता है समय की कीमत कितना मूल्यवान होता है. तो इसलिए
स्टोरी मोरल भी मिल गई और इंटरेस्टिंग भी स्टोरी थी। तो देखिए आपने कितने सारे यहाँ पे आपको नए नए वर्ड्स की मीनिंग मैंने आपको बताया है। यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत सारे PDF मैंने कल दिया है, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेंगे विष्णु ATP सर्च करके, और फ्री में वहाँ पे सब PDF मैंने दिया, ताकि आप लोग फिर से एक बार पढ़ के देखें, ट्रांसलेट करके देखें कि आप लोग कितना कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आप लोग अच्छे से ट्रांसलेशन भी सीख जाओगे। कमेंट देखेंगे, बहुत से लोग आपको पॉजिटिव कमेंट मिलेंगे कि वो लोग सीख रहे हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।